नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जीतू और मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल जीतू रिवोल्यूशनरी फार्मर में। वीडियोस के माध्यम से मेरी एक मुहिम है कि अच्छे पशुधन का प्रचार प्रसार हो पाए। युवा पीढ़ी जो इसको तिरस्कृत नजरों से, हीन भावना से देखती है, उनमें एक रुझान, एक पूरी ऊर्जा दोबारा से झोंक सके, ताकि अच्छे पशुधन को वो डेयरी फार्मिंग में उसका रोजगार लेकर के न केवल वो स्वयं रोजगार पा सकते हैं, लेकिन अच्छा और शुद्ध दूध और दूध से बने खाद्य सामग्री है वो शहरी भाइयों तक, उनके परिवारों तक पहुंचा करके उनका भी स्वास्थ्य वर्धन हो सके, उनका भी स्वास्थ्य में इजाफा हो सके। जो छोटे बच्चे हैं शहरों में, आजकल तमाम तरह की बीमारियों से वो जूझ रहे हैं, उनका स्वास्थ्य में इजाफा हो, और जो अस्पतालों के सामने लंबी लंबी कतारें हमें देखने को मिल रही है, कहीं ना कहीं इसमें हमें कमी देखने को मिले। वीडियो के माध्यम से ही मैं दूसरे जो यूट्यूब चैनल हैं जो कि एनिमल को दिखाते हैं, पशुधन को दिखाते हैं, उनसे मैं पुरजोर अपील करना चाहूंगा, दीनता और हीनता को अपने सिद्धांतों में कतई ना अपनाएं। वीडियो जो प्रचार प्रसार के लिए बनाई जाती है उसके लिए पैसे मांगना, वो भी 25,000 रुपए मांगना, ये कतई गलत है। तो आज के जो हम वीडियो में कवर कर रहे हैं, लाला सर को हम यहाँ पर देख सकते हैं, प्रधान जी हैं, गांव मुनीमपुर, डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंतर्गत आता है, डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंतर्गत आता है, और सर का जो क्लेम है यहाँ पर देख सकते हैं, उनकी ये जो झोटी है फर्स्ट टाइमर झोटी है, पहले ही ब्यात में इसका जो दूध उत्पादन क्षमता न केवल ज़्यादा है, लेकिन जो घी के मापदंडों पर इसने अपना जो रिकॉर्ड बनाया है वो काबिले तारीफ है। यहाँ पर जो मालकिन है उनके हम यहाँ पर देख सकते हैं, जो कि इस मुनीमपुर गांव की पूर्व सरपंच भी रही हैं, और सरपंच रहने के बावजूद पशुपालन का जो ये कार्य पुरजोर से कर रहे हैं, पशुधन की जो देखरेख ये करते हैं, ये सराहनीय है। महिला सशक्तिकरण हो, महिला भी आगे आए, ये भी मेरी एक मुहिम का एक हिस्सा है। तो ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, ये जो झोटी है, सींगों की बनावट देख सकते हैं, छोटा चेहरा, पतली गर्दन और कद काठी आप इसकी देख सकते हैं, अडर की क्वालिटी है वो लाजवाब है, छोटे जो थन हैं जो कि पहले ब्यात में पूर्णतः विकसित नहीं हो पाते वो हम देख सकते हैं, और इस बार इसकी जो फीमेल काफ है वो देख सकते हैं लाजवाब। इसका जो दूध उत्पादन है 15 kg प्लस है, और घी उत्पादन तकरीबन 2.25 kg के आसपास प्रतिदिन का है। तो न केवल हमारे लिए वो भैंस वंश ज़्यादा महत्वपूर्ण, ज़्यादा फायदेमंद हैं जो कि ज़्यादा दूध देती हैं, लेकिन जिनके नीचे ज़्यादा घी है वो भी काफ़ी अच्छा मुनाफा अपने पशुपालकों को दे करके जाती हैं। 2.25 kg घी अगर आप देखा जाए तो मार्केट में, अगर शुद्ध घी की बात की जाए तो वो कहीं ज़्यादा मुनाफा दे करके जाती है, जो 20 या 25 लीटर दूध उत्पन्न कर पाती हैं। तो आइए आगे की जानकारी के लिए मैं लाला प्रधान सर के पास लेकर के चलता हूं, जो कि खासियत और कहां से इसको परचेज किया गया तमाम जानकारी देंगे। तो सर नमस्कार। नमस्कार जीतू भाई। तो सर मैं जानना चाहूँगा, क्योंकि खुद के खुट्टे की पाली हुई नहीं है, कहीं से लेकर के आए हैं, तो उसके बारे में बताइए, जीन्स कहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है? ये भाई साहब जीतू मैं उमरा गांव से लाया है, और ये पहली बार ब्याही हुई है, तो अचानक ही मेरा जाना हुआ है, ये पंडित जी के पास थी, और 20 साल पुराना खरना चलता रहा है उनके खुट्टे के ऊपर। खरना जो शब्द हमारे हरियाणा में यूज किया जाता है, इसका मतलब है एक ही वंश 20 साल से उनके खुट्टे पर चला आ रहा था। गांव उमरा जो कि डिस्ट्रिक्ट हिसार के अंतर्गत आता है, वहां से सर ने परचेज की है। आगे बताएं सर। ये पहले ही दिन जिस दिन ब्याई, सवेरे 5 बजे 11-12 बजे के आसपास मैं इस झोटी को लेने के लिए चला गया, और मैंने इसका सिर्फ एक एक धार मार के, जब ये आड़ भी करे थी, गुदगदी होती, पता नहीं जो भी कुछ है, मैंने इसका एक ही नज़र में झोटी की इसकी देखी, सींग, गर्दन, पीठ, कद काठी, जो दो दांत झोटी खार की, मगर अभी दूध काटेगी तो काफ़ी काटेगी ना, चाहे 8 kg 2 में इसको राम का नाम लेकर ले आया। जीतू भाई 5 दिन हो गए जब इसने ब्याही न, तो एक दिन मैंने इसका मतलब घराली को बोला कि इसका तो ये दूध बच गया थोड़ा, ये तत्ता करके इसने बिलो बिलू ले, क्योंकि हम दूध बेचते तो हैं नहीं, फिर वैसे खराब जाएगा। तो सुबह मैं बोला मैं कुछ घी गया लिकड़ा, बली घी नहीं लिकड़ा, कति मट्ठा लिकड़ा पूरा, मगर के बात है, बोलिए देख लो। तो जीतू भाई उसमें तकरीबन पाइया से ऊपर 300 ग्राम घी, नूनी 3 किलो में, 3 kg घी में देख सकते हैं, और ये उस दिन 5 दिन की ब्याई थी, खार की
मात्र 5 दिन की ताजा ब्याई हुई भैंस के नीचे जो सर ने दूध बताया, घी बताया है, 3 केजी में से 300 ग्राम के आसपास जो घी निकला है वो काबिले तारीफ है। उसके बाद जानकारी दे सर। उसके बाद जीतू भाई, ये हम ऐसे ऐसे रूटीन पर इसका दूध ज्यादा बचता रहा, काटडू को कटिया को हम छका के पियाते हैं, जैसे जैसे इसका दूध बढ़ता रहा उसी तरीके से घी बढ़ता रहा। आज करेक्ट आज की डेट में आज 13 तारीख को सुबह इसका तकरीबन रात को हमने 9 किलो दूध जमाया था कटिया ने छोड़ दिया उसके बाद में। तो जीतू भाई आज सुबह 1 किलो 300 ग्राम नूनी घी आज की डेट में 13 तारीख को है, 9 किलो दूध में से है। मैं बताना चाहूंगा अभी जो इसका दूध उत्पादन क्षमता है तकरीबन 15 केजी प्लस, क्योंकि कटड़ी को पूरा दूध पिलाया जाता है इसलिए 9 केजी ही दूध जमाया गया है। पूरा अगर जमाएंगे तो जो इनका दावा है तकरीबन कितना घी, 1 किलो 750 ग्राम अगर जो घी नहीं हो तो मेरे गांव के पते पा जाओ, मैं उस भाई को 11,000 रुपए इनाम के दूंगा कि काम का बुलाया मैंने। तो देख सकते हैं जो इन्होंने जो दावा किया है कि 11,000 रुपए दे करके उनको उनका मान रखेंगे, अगर वो इतनी दूर से चल करके और इनके पास रहते हैं पूरे दिन का इसका दूध देखते हैं, खरी नहीं उतरती तो खरी नहीं पूरे दिन का दूध देखते हैं अपने सामने अगर जमवाते हैं और फिर सुबह जब दही मथ करके जब उसमें से घी निकाला जाए उसमें से अगर 1.25 केजी के आसपास घी ना निकले तो 11,000 रुपए दे करके ऐसे का मान रखेंगे जो कि इतनी दूर से चल करके आए हैं। मैं यहाँ पर पुरजोर CIRB सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर रिसर्च ऑन बफलोज, हरियाणा लाइफ स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड और देश और विदेशों की जो तमाम जो ऐसी एजेंसियां हैं जो पशुधन विकास में कार्य करती हैं उनके लिए मैं पूरा आमंत्रित करना चाहूंगा कि आइए देखिए इस तरह के भी फील्ड में पशुधन हैं जो कि इंटरनेट की मदद के कारण आजकल उजागर हो रहे हैं, नहीं तो क्षेत्र में ही इनकी जानकारी होकर और क्षेत्र में ही बंद हो जाती थी, 2-4 गांव तक, गोहांड तक, ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट तक चर्चा का विषय बनकर रह जाती थी। लेकिन अब ज़रूरत है कि अगर हमें फूड सिक्योरिटी, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी में सुदृढ़ता अगर चाहिए तो इस तरह के पशुधन के जो वंशाणु हैं वो आगे बढ़ें, इनके जो कटड़े हैं वो तैयार किए जाएँ ताकि आगे चल करके अपने माँ के ही तर्ज पर वो भी अपनी कटड़ियों को जन्म दे सकें, जिससे कि न केवल हमारा दूध उत्पादन सुधरेगा लेकिन घी उत्पादन भी। 150 रुपए किलो भी घी आपको मिल जाता है खाने के लिए, लेकिन अगर वो 150 रुपए किलो घी का हम सेवन करेंगे तो परमात्मा ही जानता है कि किस तरह का सेहत हमारा रहेगा, क्या खराबियां हमारे तंत्रों में आएंगी। और कोई जानकारी आप देना चाहें? जानकारी हाँ जी, मैं अपील, सर ने जो अपील की है कि पूरा इसका एक दिन का जो वीडियो है, सुबह का दूध और शाम का दूध पूरी जनसभा में रिकॉर्ड करवाएंगे, पूरा मौका दिया जाएगा जो कोई भी उसको अपने घर पर ले जा करके उस दूध को जमाना चाहे जीतू भाई 5 किलो दूध आपको भी दूंगा आज मैं, उसको जमा सकते हैं और फिर पूरी जनसभा में उसको मत करके और उसका वो निकाला जाएगा। उसके लिए एक डेट हम जरूर निर्धारित करेंगे, सूचित कर दिया जाएगा और फिर इसका घी मत करके निकाला जाएगा। 1.25 किलो घी अगर फर्स्ट ब्यात में और ताजा ब्याई हुई का है तो जब ये बाखड़ी होगी, कहने का तात्पर्य है कि जब इसको लंबा समय बच्चे को जने हुए हो जाएगा उस समय, क्योंकि फैट की क्वांटिटी दूध में बढ़ती है तो तकरीबन 2 किलो घी तक जाने की इसकी संभावनाएं जो हैं वो काफ़ी अच्छा है। रिसर्च अनुसंधान का विषय है, ऐसे भैंसों के जीन्स के ऊपर रिसर्च होना चाहिए। CIRB HLDB तमाम ऐसी संस्थाओं से मैं अपील करूँगा कि ऐसे भैंस वंश को वो अपने रिसर्च के लिए चुने और ताकि इनका इनसे और पशुधन का विकास हो सके। तो इतना शानदार, तो एक बार मैं अडर क्वालिटी इसकी और कवर करना चाहूंगा, किस तरह के इसके थनों की बनावट है, किस तरह के इसकी अडर की बनावट है। तो आप देख सकते हैं, ये देख सकते हैं, उभरा हुआ अडर है, शरीर से पूर्णतः चिपका हुआ है, टूटा हुआ अडर नहीं है। जो छोटे और उभरते हुए थन हैं, क्योंकि मात्र 32 दिन की ये ब्याई हुई है तो आगे आने वाले जो समय होंगे, आने वाले जो ब्यात होंगे उसमें काफ़ी सुधार इसके अडर में हमें और देखने को मिलेगा, थनों में हमें और देखने को मिलेगा। तो लाजवाब पशुधन हमें देखने को मिला। जो एक शौक है, जो एक जज्बा है वो हमें बखूबी यहाँ पर देखने को मिला। ये जो झोटी है इसको भी देख सकते हैं कि क्या कुछ उम्र हो चुकी है इसकी, 16 महीने जीतू भाई, 16 महीने की एज, 1 साल 4 महीने की ये झोटी है, देख सकते हैं।
उम्र काफी कम है, सिंगों की बनावट देख सकते हैं, चेहरा मोरा देख सकते हैं, कद काठी देख सकते हैं, पुट्ठे की जो गोलाई है वो देख सकते हैं। तो न केवल एक लेकिन काफी तो नहीं कहूंगा, लेकिन तीन चार जितनी भी भैंसे ये रखते हैं काफी लाड लड़ा करके उनसे रखते हैं। तो देख सकते हैं काफी सुंदर ये झोटी भी ये तैयार करते हुए, एक जुनून एक शौक के तौर पर अगर इस पशुपालन को लिया जाए तो यकीनन अच्छा पशु हमारा विकसित हो सकता है। तो ये देख सकते हैं उसका एक छोटा सा नमूना आज हमें मुनीमपुर गांव में देखने को मिला, काबिले तारीफ। बांधे करती हैं तो मैं ये सोचता हूँ, नहीं तो पशु अच्छे रखो, लेकिन ये सरकार को भी थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। जीतू भाई, अब पीछे जज्जर में एक हुआ था ये अपना पशु प्रदर्शनी, इसमें 7 करोड़ का बजट था, और जब एक थर्ड टाइमर पशु जो आता है, फर्स्ट टाइमर थर्ड पोजीशन पाता है, और उसको 11,000 का इनाम देकर एक अपनी खाना पूर्ति कर लेते हैं, तो उस पशुपालक का क्या मनोबल रहा होगा जब उसके 8-10 हजार रुपए खर्च हुए होंगे। तो देख सकते हैं बहुत ही उल्लेखनीय बात जो सर ने बताई है कि मात्र 11,000 रुपए, और वो भी पहले दूसरे जो तीसरे स्थान पर जो पशु आए हैं, उसके अलावा भी बहुत ऐसे पशुपालक रहे होंगे जो अपने पशुओं को काफ़ी दूर से लेकर के आए होंगे, लंबा उन्होंने ट्रांसपोर्ट का पैसा दिया है, लंबा उन्होंने टोल टैक्स पे किए हैं, लेकिन उनको निराशा लगती है जब उनको कोई भी प्रोत्साहित राशि नहीं दी जाती। एक बात और बताना चाहता हूँ जीतू भाई, हमारे वो देश भी हैं जो कभी क्रिकेट नहीं खेलते या नाच गाने को प्रोत्साहन नहीं देते, फिर भी वे देश किसी से पीछे नहीं है। इसमें अमेरिका भी है, चाइना भी है, जापान भी है, और ये किसान पैदा करता है। तो देख सकते हैं, सलाम करता हूँ ऐसे पशुपालकों के जज्बे को जिन्होंने कहा है कि न केवल क्रिकेट स्टार, न केवल फिल्म स्टार, लेकिन जो असली स्टार है, असली हीरो है, वो हमारा किसान है, क्योंकि वो पूरे भारत वर्ष के लिए अन्न उत्पन्न करता है, जवान जो रक्षा करता है, डोकलाम पे करता है, सियाचिन पे करता है, तोलोलोंग की पहाड़ी पे करता है, या पाकिस्तान की किसी भी सीमा पर हमारा विवाद है, वहाँ आज हमारा जवान है, वो घी और दूध से ही मजबूत होकर सुरक्षित कर सकता हमारे। तो बहुत ही उल्लेखनीय बात जो सर ने बताई है कि हमारा शरीर सुदृढ़ मजबूत करने में दूध दही घी और शुद्ध अन्न का एक अहम रोल है। तो किसानों को कहीं ना कहीं हमें ऊपर लेकर के आना होगा। तो देख सकते हैं आज जो हमने पशुधन कवर किया है, गांव मुनीमपुर जी, मुनीमपुर डिस्ट्रिक्ट झज्जर के अंतर्गत आता है, और देख सकते हैं काफी सर्विस में है, 57 साल उम्र हो चुकी है, 3 साल रिटायरमेंट के बचे हुए हैं, लेकिन फिर भी पशुपालन के प्रति जो इनका जज्बा है उसकी सराहना करता हूं। तो इतना शानदार पशुधन दिखाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।